गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स टू। आज हम लोग एटीवी, कल हम लोगों ने एटे पढ़ी थी रेशो वाली, तो हमने देखा था किस प्रकार से अनुपात होते हैं। आज इस एक्सरसाइज में है दो रेशो दिए गए हैं, तो उसमें ये पूछा गया है कौन सा बड़ा है। जैसे ये नंबर दिए गए हैं पहले, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2:3, अब इसका रेशो लगा देते हैं 2/3 और 3/2, इस तरह से रेशो को सॉल्व करते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 2 × 2, ये वो सरल तरीका, और 3 × 3, अब आपने देखा 9, तो ये वाला रेशो बड़ा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3/2 इज ग्रेटर। ऐसे ही यहां पर एक रेशो है 7/10 और 11/15, क्रॉस कर दो 57/5। अब देखो आप कौन सा बढ़ा रहा, ये सेकंड वाला 11/15 इज ग्रेटर। ऐसी इस पर आते हैं, यहां पर देखो कोई भी नहीं है, तो आप जैसे आपको करना पड़ेगा जैसे हमने इस पर करना शुरू किया था, लेकिन यहां तो अब आपको करना ही है, तो कैसे करेंगे, ये 1/2 / 1/3 कर दिया रेशो के अनुसार, ऐसी 1/4 / 1/9 कर दिया। अब जरा देखें आप, ये नंबर ट्रांसफर करेगा यहां, ये नंबर ऊपर, ऐसे ये सभी नंबर ट्रांसफर करेंगे 3/2 हो जाएगा ये वाला, और ये नंबर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 9/4 हो जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। अब इस पोजीशन पर आके हम 3 × 4 12 × 2 × 9 18, लेकिन बड़ा, इसका मतलब ये रेशो बड़ा है, 1/4 / 1/9 इज ग्रेटर। तो इस तरह से हम ग्रेटर को निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स का, माय स्कूल हैज 500 बॉयज एंड 300 गर्ल्स, मेरे स्कूल में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। अगला कहता है माय सिस्टर्स स्कूल, मेरी बहन का जो स्कूल है उसमें 400 बॉयज हैं और 250 गर्ल्स हैं, यानी कि दो स्कूल हो गए हमारे, माय एंड माय सिस्टर्स स्कूल, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या दी गई है। अब क्वेश्चन करता है विच स्कूल हैज हाईएस्ट रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशो किसका सबसे ज्यादा रहा, तो हमें दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे इसलिए, जैसे 2 क्वेश्चन है, तो यहां लिख देंगे माई स्कूल, ऐसे ही यहां पर लिख देंगे माई सिस्टर्स स्कूल, दो चीजें हो गई माय स्कूल और माय सिस्टर। तो अब यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज कितने रहे 500, गर्ल्स 300। अब इनका रेशो निकाल लें, तो रेशो ऑफ 500/300, तो इसका 500/300 रहा। इधर आते हैं माई सिस्टर में, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, हमारे बॉयज है 400,
गर्ल्स है 250, इसका भी रेशो देख लो 400 अपॉन 250। अच्छा अब हमें दोनों के रेशो पता हो गए, अब ये पूछा जा रहा है किसका ग्रेटर है, तो ग्रेटर उसी मेथड से जैसे 500 अपॉन 300, 400 अपॉन 250। आप छोटा कर सकते हो, देखो एक जीरो से एक जीरो काट लो, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 5 3 रह गया, तो 5 × 25 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 × 40। अब देखो 125 ज्यादा है तो मींस माई स्कूल पहले था, तो माई स्कूल इज ग्रेटर रहा। अब आगे क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखोगे, इन माई क्लास द रेशो ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड। अब हमारी एक क्लास है उसमें विद्यार्थियों का ए ग्रेड आया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1/10, यानी 10 में से एक बच्चे का ए ग्रेड आता है। ए ग्रेड मतलब है जो 90% से अबव रखते हैं, तो 10 बच्चे हैं, 10 में से एक का ए ग्रेड है, तभी उसने बोला है 1/10। अब आगे चलता है, एंड इन माई सिस्टर्स क्लास, सिस्टर्स क्लास में 5:36 आया, यानी कि 36 बॉय बच्चे हैं उसमें से 5 बच्चों का ए ग्रेड आया, तो हूज क्लास इज बेटर ए ग्रेड। अब किसका क्लास, बिल्कुल सेम एरियर, अब यहां पर माई स्कूल की जगह पर लिख दिया माई क्लास, अब माई सिस्टर्स क्लास, अब इसमें ए ग्रेड का पूछा गया है तो ए ग्रेड देंगे स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड, तो 1:10। ऐसे ही माई सिस्टर ने स्टूडेंट्स गेटिंग ई प्लीज ग्रेड, तो अब इसमें कितना है 5:36 ये चीज। अब दोनों हमने निकाल दिए, अब वो दूसरा किसका जाता है, तो हम देखो 1/10 5/36 क्रॉस करते हैं, अब देखा 50 वाला ज्यादा आया, तो माई सिस्टर क्लास इज ग्रेटर, तो हमने लिख देंगे माई सिस्टर्स क्लास इज ग्रेटर ई ग्रेड। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, फिर हम कल 8C देखेंगे।